नाम बाबूलाल भट्ट है मेरा, रहने वाला राजस्थान का हूँ। हमारा काम है ये घोड़ा हाथी घूम के बेचना। ये सब कैसे बनाते हैं, इसमें क्या क्या है? इसके अंदर में ना सुतली है, तार है, लकड़ी का फर है, में लोहे के एंगल है, और तो नारियल का जूट होता है उससे बनता ही है। कितने टाइम लगता है एक हाथी बनाने के लिए? ना टाइम तो लगता है 6-7 घंटे में एक छोटा वाला बनता है। कितने रुपया है इसको, कितने रुपया में बेचते हैं? वो जैसा है ना ग्राहक के ऊपर है, कोई अच्छे मिलते कोई बुरे मिलते हैं, तो अच्छे मिले तो उसको हम दे देते हैं, और तो जब खर्चा ही नहीं मिलेगा तो कौन देगा। ऐसे मतलब तो घोड़ा लोगे सस्ता पड़ेगा, हाथी थोड़ा महंगा पड़ता है। हाथी का भाव कितने से शुरू होता है? इसका 1000-1100 से चालू होता है। ये वाला मीडियम साइज का है, और तो बड़ा लोगा तो 5000 का 7000 का 3000 का ऐसे है। ग्राहक कहे के बनाते हैं या वैसे आपके? वैसे बनाते हैं, हमारा काम ही यही बनाना बेचना। बेचने के लिए ग्राहक के ऊपर है, मिले तो आधा घंटे में मिल जाए, नहीं तो पूरे दिन में भी नहीं मिल सकता है। मतलब लोग लेते हैं? लेते हैं, बहुत आराम से लेते हैं, बच्चे के लिए, घर में सजाने के लिए, बैठने के लिए ले लेते हैं बच्चे के लिए। आप कब से इधर? हम तो अभी आए हैं, 15-20 दिन हो गया हमें। अभी हमारा अड्डा है मतलब तो ना सिकर चंदी, हम मुसलमानी बस्ती में रहते हैं, वहाँ पे रूम लिया हुआ है, वहीं रहते, फैमिली है, बाल बच्चे हैं। यही बनाते हैं? हाँ, बनाने वाले हम दो बाप बेटे हैं। अच्छा, बच्चे तो ना छोटे छोटे खाने वाले हैं। ये तो हमारा बचपन से बनाते हैं, खानदानी पेशा है, इसीलिए तो हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है। आपके लिए बड़ी मुश्किल पड़ेगी, आप है ना कोशिश करो, अगर तो कितनी भी कोशिश करो आपसे कुछ भी नहीं हो सकता। हाँ, हाथी क्योंकि गणेश पूजा है, इसको मंदिर में भी सजाते हैं, घर में भी सजाते हैं, पूजा पाठ भी होती है, अच्छा लगता है घर में, है ना, शुद्ध होता है। जो होटलों में, बैंकों में, सब जगह काम करते सर। मेरे पापा ने वो नहीं है, उत्तराखंड में भी काम करते थे, मन्नू महारानी सिल्वानी होटल, मन्नू महारानी होटल, विक्रम होटल, सब में काम करते थे पापा में। और जो हम लोग सर वैसे राजस्थान से, वैसे है ना पंजाबी भांगड़ा ग्रुप भी हमारे पास, पंजाबी भांगड़ा ग्रुप में राजस्थानी ग्रुप भी है, जैसे चाहिए डांसर चाहिए वैसे मंगाओ, पंजाबी ढोल भी बजाते सर हम। अब खुद बजाते हैं? हाँ जी सर। ये कितने साल हो गए आपका बजाते हुए? ये जो बजाते हुए खानदानी पेशा हमको लगभग हो गया 20 साल के ऊपर हो चुके हैं। बाजा क्यों नहीं बजाए, ये बनाए कैसे, इसको लाए सामने? ये कम से कम सर है ना आप 8 या 9 तारीख को आओ मेरे पास, आपको बताता हूँ। मेरी जो पार्टी है यहाँ पर है भुवनेश्वर में, भुवनेश्वर में पायल होटल में ले चलता हूँ, वहाँ देख लेना आप। अच्छा अच्छा, हाँ जी सर। और ना जिसको पसंद आता है ऑर्डर कम से कम दो, जिसको नहीं पसंद आया था नहीं आता ना एक पैसा भी देना मत। हमारा काम है ना शादियों में ज्यादा चलता है ढोल का, पंजाबी भांगड़ा गुरू। अरे सर ये वाला है ना सीजन हमारा दिसंबर में स्टार्ट होता है, 24 घंटा यही काम करना पड़ता हमने। हमारा कम से कम असली खानदानी धंधा यही है, और पैपेट शो है कठपुतली का प्रोग्राम, और जो पंजाबी भांगड़ा ग्रुप है, राजस्थानी ग्रुप है, और गुजराती ग्रुप है, जो भी है ना मांगेगा ना पकड़ी वो ग्रुप मिलेगा सर। और ना इतना जो अच्छा ग्रुप है सब है ना लुक में आते हैं सर।